के जो भी अवैध शराब के कारोबारी संलिप्त हैं और अवैध कारोबार रुक नहीं रहा है, जिसके कारण निरंतर लोगों की मौतें होती जा रही है, जिसका वजह है कि घर परिवार किसी का बिखर जा रहा है, किसी के सर से किसी का भाई का छाया उड़ जा रहा है, किसी के सर से किसी का पति का छाया उड़ जा रहा है, किसी के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के ऊपर से पिता का छाया उड़ जा रहा है। इसका विशेष कारण है, एक कारण है चुलाई शराब, जो अवैध तरीके से देहातों के क्षेत्रों में, देर के क्षेत्रों में निरंतर देखने को मिल रही है, जिससे काफ़ी सारे मृत्युएं होती आ रही है। अभी हम चुटाहा पंचायत के अंतर्गत पहुंचे हैं और थोड़ा सा जिनके घर में यह घटना घटित हुआ है, काफ़ी दुखद घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए काफ़ी कम होगा। तो सबसे पहले हम दुख व्यक्त करते हुए यहाँ पे सौ के साथ में लिपट कर इनकी धर्मपत्नी रो रही है, जिनकी मृत्यु हुई है और उनके घर के कोई परिजन भी हैं। तो कैसे हुआ ये मौत? बबुआ का हमें दारू पिया कर बबुआ का मौत कर दिया है। दारू पिया दिया है? दारू बेचने वाला कौन है? कृष्णा राय है। कृष्णा राय दारू बेचते हैं? हाँ। पहले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं पड़ा उन पे? नहीं। दारू कौन बेचता है? कृष्णा राय। प्रशासन पेट्रोलिंग में कभी आती नहीं है इधर? दारू जब मिलता है तो प्रशासन इधर आती है? नहीं नहीं आता है। खुलकर बोलिए, डरिए मत। नहीं आया है, नहीं खोज छाल करता है। ये कौन शराब है जिससे पीने के बाद इनकी मृत्यु हुई है? कौन सा शराब है? लोग बनाते हैं अपने हाथ से? हाँ, से बनाते हैं। यूपी झारखंड से? बाहर से किन के खरीद बड़ा बड़ा बड़का बड़का ले आता है। आप क्या लगती है जिनकी मृत्यु हुई है? हमारा लड़का है। आपके पति है? क्यों नहीं आप पहले से माना कर रहे थे दारू नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए? जो लोग बेचते हैं आप नाम जानते हैं, उन पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाती हैं आप लोग? माना करते हैं नहीं पीने के लिए, लेकिन जबरदस्ती ले जाकर कर पियाए हैं लोग। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं शराब बेचने में और उनको पिलाने में? शराब बेचने में बाप बेटा कृष्ण राय, रोशन कुमार, दो आदमी बाप बेटा है। आपके पति का मतलब आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 4 साल चल रहा है सर। आपके बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक साल का। जी। तो फिर अब शासन प्रशासन यहाँ पे आई हुई है शराब से मृत्यु हो जाने के बाद, पहले क्यों नहीं आई, इस सवाल पे आपका कहना चाहिएगा? पहले सुनिए सर, पहले हम लोग पटना थे डॉक्टरी में, तो जो पिलाया था शराब जो आया था बाप बेटा मिलकर, हमारे छोटा देवर से साइन करवाने के लिए, जो उधर आए तो इधर से साइन कर दो, मेरा नाम हट जाएगा, जिम्मेवारी हट जाएगा, जे हम नहीं पियाए हैं। शुरू में कैसा स्थिति रहा इनका जब आप इलाज करने लगे हॉस्पिटल में? तो शुरू में स्थिति रहे जे खाली सूतत रहनी, हो जाए मैं दुकान पर हो जाए सूतत रहनी, जगह के लिए गर्म सुतले रहनी, हमें कहीं से कहीं नीचा लागल तो टूटी टूटी, तो बाद में कहीं जो हमारे कृष्णा भाई हमारे के काद गोर के पिया दिले बन जो हमें नहीं के टूटे तो यदि अंगी ने के खुलत। और कैसे मालूम चला कि शराब से ही मरे हुए हैं? बताओ बनी बबुआ हमारे बताओ जो कृष्णा भाई बुला के ले गए हमारा कहीं ना खा पिया लन कहीं ना पिया लन। इनका इलाज कहाँ कहाँ आप कराई ले जाकर? पहले कहाँ ले गई थी? दीवा ले जाई, उसके बाद पटना करे पर दे तो पटना ले गई। पटना जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई? हाँ, पटना के 3 दिन जानी को मृत्यु हो गई। कब से यहाँ पे डेड बॉडी आप रखी हुई हैं? कल भोर डेड कोइलन, कल 5 बजे, 4-5 बजे करीब में। कितने लोग आपके पति के साथ में दारू पिए थे? तीन नहीं देखे हैं, अभी 3 लोग हमारे घर में ये सब पड़ रहे हैं। एक तो ससुर थे वो चले गए, एक भसुर है तो वो उसका कोनो गारंटी नहीं है बचने का। मेरा पति तो उसे में नहीं है, मुझसे कभी बात भी नहीं की, आँख मुदले मुदले ये सब बात बताया। उनका भी इलाज चल रहा है? आपके भसुर का और ससुर चले गए? ससुर चले गए, कल लोग वही लोग सब हबड़ा कटवा दिया, लोग फुकवा दिया उधर। अभी तक कितने जनप्रतिनिधि आपके पास आए हुए हैं आपके दुख में शामिल होने? मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, कोई भी? जिला परिषद आए थे। क्या कह गए हैं? वो कुछ नहीं कहे, कुछ रुपया दिए जे हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ, हम ये हटा लो बाद में कुछ होगा। और सरकार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, प्रशासन के लोग, तब सरकार से क्या कहना मांग करना चाहिएगा न्याय के तौर पे? न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए सर। दो लड़का उसका जिंदगी पार लगाना होगा, मेरा जिंदगी पार लगाना कौन लगाएगा? हमारे पति नहीं तो हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो क्या क्या मांग करना चाह रहे हैं अपने जीवन जीविका के लिए? आपके दो बच्चे हैं, पति का इंतकाल हो गया है, भरण पोषण के लिए क्या मांग करना चाहिए प्रशासन डीएम साहब से, जो आपके जिले के गोपालगंज के? मुझे न्याय चाहिए, लिखित चाहिए सर।
नाथ है। मेरे पिता खुद गुजरे हुए हैं, उनके पिता, मेरे पिता का नाम सुरेश राम है जी जी। उनका भी दो दिन पहले ऐसा ही कंडीशन हुआ, सेम तीनों लोग एक ही साथ ही गया था और तीनों को जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। मेरा गोरखपुर इलाज चल रहा था पिताजी का और वहीं पे उनका निधन हुआ है और रिपोर्ट आया कि उसमें लिखा है कि ये जहरीली जो आपका पॉइजन है शरीर पूरा शरीर में फैल चुका है, जिसके चलते आपका पूरा शरीर इन्फेक्टेड के कारण इनका मौत हुआ है। मतलब जहरीली शराब जो शराब लोग बेच रहे हैं हाँ, तो वो शराब खुद से बनाते हैं या पहले कहीं से लाते हैं? वो कहीं से मंगाते हैं। कहीं से मंगाते हैं हाँ। निरंतर ये कितने दिनों से कारोबार चल रहा था यहाँ पे शराब का? यहाँ काफी दिनों से चल रहा है। तो काफी दिनों से चल रहा था, तो आपके आपके जैसे जागरूक नागरिक युवा क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाए? देखिए क्योंकि यहाँ पे इसलिए ऑब्जेक्शन लगा क्योंकि मेरे परिवार का नहीं था, मैं नहीं जानता था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा कभी होगा, हमें अपने आप से मतलब था। शराब बेचने वाले की संख्या कितनी है आपके चुटाहा पंचायत में या आपके प्रखंड में? संख्या तो मैं नहीं बता सकता कि कुल कितनी होगी, लेकिन मेरे पड़ोस में बेचा जा रहा है, वहीं पे यही से घटना हुआ है। कितने से बेच रहा था अगला? अब काफी दिनों से बेच रहा है, अभी तो ये तो हम बताना मुश्किल है, काफी दिनों से लेकिन बेच रहा है। शासन प्रशासन क्या मांग करना चाहिएगा? शासन प्रशासन मांग करना चाहूंगा कि जो जो ये तीन तीन घटना हुई है, अगर वो पहले ध्यान दिए होते तो आज ये तीन घटना नहीं हुई होती। आज ये जो मृत्यु हुई है, अगर उन्होंने पहले ध्यान दिया होता तो शायद ये जहरीले शराब के चलते कोई मरा नहीं होता, ये घर के तीन व्यक्ति नहीं ऐसे हालत में होते। और देखिए अन्य सारे कई लोग भी हैं समाज के, गांव के, क्या कभी पेट्रोलिंग में बड़ा बाबू आते हैं गाड़ी लेकर? जी आते हैं। आते हैं आज भी जिला से प्रशासन आई है। तो मतलब पूर्व में जब आदमी नहीं मरा था तो आते थे जाते थे? पहले पेट्रोलिंग में लोग आते जाते रहते थे। हाँ हाँ कर रहे हैं तो आते जाते हैं, तो कहे नहीं शराब बेचने वाला शराब बेचना छोड़ दिया, शराब बेचने वाला मर गया। शराब बेचने जब भागिया जाता है तो हम लोग का प्रशासन कैसे? महाराज तो आपसे भाग जाता है, कैसे भाग जाता है? कहे नहीं, वो तो चौकीदार नहीं आपके गांव में है? चौकीदार ना, तो चौकीदार चौकीदार आपके सस्पेंड नहीं हुआ अभी तक? वो तो एकदम है चौकीदार, तो एनी टाइम यहाँ आकर बैठ रहा है, देख रहा है। चौकीदार देख रहा है आदमी मर गया है, उसका लाश देखने चौकीदार आया है, अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? आता है चौकीदार सर, ऐसा हूँ आता है। कितना पैसा लेता है दारू बेचने वाले से चौकीदार? तो वो तो हम नहीं जानते हैं, पैसा नहीं लेता। आप जानते हैं कि पैसा नहीं लेता है चौकीदार? पैसा लेता है। आप जानते हैं कि पैसा नहीं लेता है चौकीदार? पैसा नहीं लेता है। कौन है? हम यहाँ का मुखिया है। मुखिया है? मुखिया हो जाएगा का? आपको पता है? अरे चौकीदार नहीं, चौकीदार के पेपर में बतिया दिए, प्रशासन के पेपर में बतिया दिए। चौकीदार को हम नहीं जाए घूमना तक सरब कांड हुआ, सब लोग सस्पेंड हो गया चौकीदार, स्थानीय चौकीदार। आप बोल रहे हैं चौकीदार के पेपर में बोल रहे हैं? आप कैसे बोल रहे हैं फेवर में? आप बोल रहे हैं चौकीदार आता है, चौकीदार प्रशासन के बारे में क्यों नहीं बताता है? गश्ती कर रहा है, बांध के घूम रहा है, वो देखता है कि पैसा लेना बात करने से होता है। बनवे बंदरिया बेचा रहा है, आपको मालूम नहीं है कि बनवे बंदरिया बेचा रहा है? बांध पर दर्द भी करता है, बांधे बेचाता होगा और कहाँ बेचाता होगा? घर घर में देखने को मिला। और देखिए ये लोग जो हैं स्थानीय चौकीदार, सबसे पहले सस्पेंड होना चाहिए, थाना प्रभारी से बड़े पदाधिकारी को इस मामले में जानकारी लेकर और तुरंत थाना प्रभारी से इस विषय में संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए कि आखिर चुलाई शराब बिक रही है तो बिक कैसे रही है, अगर लोग मर रहे हैं तो मर कैसे रहे हैं, मरने वालों का जिम्मेवारी कौन लेगा? शासन प्रशासन जिला के बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा और पब्लिक का जो भी आग्रह है कि जो भी मृत्यु हुई है जिन परिवारों की, उन परिवारों के जो भी बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे हैं, उनके जीवन जीविका के लिए भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सरकार अपने स्तर से कहे। और नीतीश कुमार जी, अब कितने शराबबंदी के बाद लोगों को मुंह आइएगा? क्यों नहीं संशोधन कर देते हैं शराब शराब नियम में? आप संशोधन कीजिए, शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। पटना हमनी रानी सनक दौरी में तो वहां ले पुलिस के चौक पर है हमनी के लगे, हमनी से पूछे हैं तो बताए हैं दारू शराब से लड़का हमें मारा है, तो पूछेगा नहीं झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलिए जो हमारे लड़का के मियाज खराब है बाहर से आया है। झूठ बोलवा रहा था आपका? तो हम कहे हम झूठ नहीं बोलेंगे, कौन है झूठ बोलवाने वाला? पुलिस बोला है। पुलिस बोलवा रहा था? हाँ, नेता के पास फोन भी किया था आपके पंचायत का? सरपंच साहब आने खाली फोन कर ले रानी, सरपंच साहब बबुआ का हमारा पूछा था समाचार को ठीक बना की नाम कौन है ना ठीक नहीं कौन बबुआ हमारे जे कहत रहे कि बता दो कि शराब से मर रहे बीमारी से मर रहे रहन उनका नाम लिखी जाना हुआ ना नाम लिखी जो नहीं जाना था पूरा वो प्रेशर रहे कि बता हां हां बता एक हमरा रूम में बंद कर देनी लेके ले आ कहीं ले रहा सा चाहिए काहे दारू के बताओ तनी बताई जे रहा हमर नासिक से लड़का होइल हन किडनी फेफड़ा सड़ गेल ह यही से बुका हमर लड़का कहेंगे हो गेल हम कहीं नहीं हम ई सर नहीं बता रहा है रो आप घुस लेके यहां हमरा पर आ रहा है पैसा पर हम जब पटना हमरो पटना गए हैं बबुआ कर ले तो हमें दुआ पर कैद धमकी दे रहा है जब आपके गाड़ी खींच के हम लेके चल जाएंगे जब गाड़ी खींच के हम लेके चल जाएंगे कौन धमकी दे रहा है जी गाड़ी खींचने का गाड़ी खींचने कौन धमकी दे रहा है अब हमको मालूम हम तो
कॉल आया कौन किधर है गाड़ी खींचने का? जो जो शराब पिला है वो बोल रहा था बाप बेटा जी सर। कृष्णा यादव रोशन यादव हम किधर है जी सर? जब खींच कर लेकर चले जाएंगे। हमारा छोटा बाबू से लेके चौकीदार आया है, चौकीदार साइन करा है और बोला है जब बाबू थे बोल जो हमारे भैया के नासिक से मियाद खराब होके आयल बारन, यही से हमारे भैया के मियाद खराब हो गई बा। हाँ तो हम बबुआ के हमारे फोन गए लड़की हमारे फोन कैली तो हम बोला है जब लड़की बबुआ के माना कर जो साइन नहीं होगा हम गर्जीवन ना आएंगे तक साइन नहीं करेंगा के हो नहीं कहा है बबुआ हमारे नहीं कहा 12-13 साल के हैं। उसके बोला है जब बोला जब बबुआ का नाम बताइए थोड़ा चौकीदार का नाम बताइए शंकर चौकदार है तोरे के धरवा पकड़ा देंगे तोरा घर में दारू पकड़ बेचा रहा है उल्टा में हमारा के उल्टा में फांसी लगा रहा है हमके आके इंक्वायरी कर लीजिए। आपके पति मर रहे हैं आप आरोप लग रहा है कि आप दारू बेचती हैं बेचते थे? हाँ जी सर उल्टा आरोप लगा रहा है और थाना में अगर ये जमानत कर दिया है जो ये गया था पटना उधर से उषा ही आया है। चौकदार जो पेपर में बतिया रहा है आप लोगों पे दबाव डाल रहा है शासन प्रशासन उसके विषय में क्या कहना चाहिएगा? ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे नीतीश कुमार तक वीडियो जाएगा जी सर। तो नौकरी उनका रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए किनको सर? मतलब दारू बेचने वाले को संरक्षण देते हैं ना चौकीदार? बेचवाते हैं चौकीदार ना? अपना काम कर रहे हैं तो करने दीजिए लेकिन इस तरह दावा डालकर नहीं देना चाहिए किसी को।